अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे इन द वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और अभी तकरीबन बज रहे हैं 10:30 और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे जाना है हैदराबाद अपनी दोस्त के साथ। थोड़ा काम है, काम के शॉपिंग, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग जाएँगे क्योंकि जो काम है अपना वो ख़त्म करेंगे। तो ये जो मैंने शर्ट पहनी है, ये मैंने दाऊद से ली थी, जीन्स आउटफिटर्स की है, शूज़ स्टाइलों के, बैग लोकल मार्केट से लिया था अपनी, जो आपको दिखाया था। सोचा जाने से पहले आप लोगों को आउटफिट की डिटेल्स वगैरह दे दूँ। तो चलते हैं, बाकी ब्लॉग जाके बनाएंगे अगर बना हुआ, क्योंकि आजकल मेरा बिल्कुल ब्लॉग बनाने का दिल नहीं करता और मैं भूल जाती हूँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ, अगर नहीं बना पाई तो सॉरी। ग्लासेस का ऊपर लगाया हुआ, तो फिर मिलते हैं। ओके जी, तो अभी हम आए हैं मिनीसो पे, क्योंकि मिनीसो से मुझे लेने थे शीट मास्क। मेरे पास शीट मास्क ख़त्म हो चुके थे और मुझे मिनीसो के शीट मास्क काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ये 400 रुपीज़ के 3 थे। तो सबसे पहले तो मैंने यही पिक कर लिया और सेम ही मैंने लिया। आप डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते थे या नहीं, सेम ही ले सकते थे आप कोई भी। और उसके बाद ना मेरे पास कोई मिनी हेयर ब्रश नहीं था, और मिनीसो इतना क्यूट है कि अंदर जाओ तो दिल करता है कि मिनीसो से सारी चीज़ें ही खरीद लें। उसके अलावा मुझे ये बैग इतना अट्रैक्ट कर रहा था इतना, लेकिन बस अब नहीं लेना, बहुत से बैग हो गए, तो फिर मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, नहीं लिया। और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो लिया। मेरा वॉलेट जो है ना वो ख़राब हो चुका था, तो फिर मैंने एक ही वॉलेट ले लिया बस। इसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं लिया। बड़े साइज़ के भी थे, लेकिन वही के बड़े साइज़ के अच्छे नहीं लग रहे थे। और मैं ज़िप वाला मैंने खुद नहीं लिया इज़ाफ़ा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक जिप वाला था, तो फिर मैंने कहा कि वो पहले यूज़ कर लिया, मैं कोई और ट्राई करती हूँ। तो तकरीबन 750 रुपीज़ का मुझे ये मिला, और उसके अलावा 550 का ही तकरीबन मुझे ना हेयर ब्रश मिला। तो बस अब मैं यहाँ पे करवाऊँगी बिल। यही मुझे 3 चीज़ें लेनी थी, मास्क चाहिए थे वो लिए, और जो है मिनी हेयर ब्रश चाहिए था, मैंने सोचा हुआ था लेने का। बैग मैंने देखा लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो जो है ना दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था लेकिन वही के यूज़ में नहीं आना था इतना, इतने सारे बैग ऑलरेडी हैं। और इन्होंने मुझे गिफ्ट्स भी दिए हैं, 3 चीज़ें लेने पे 3 ही मुझे गिफ्ट्स मिले। वो गिफ्ट्स मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या मिले हैं, इनके कोई ऑफ़र वगैरह चल रही थी। उसके बाद मैं आई हूँ ब्रेकआउट्स, और यहाँ पर सेल लगी हुई थी समर आइटम्स पे, लेकिन कुछ भी जो है ना वो ऐसा मज़े वाला नहीं था समर आइटम्स पर। मैंने सारी चीज़ें चेक की, क्योंकि मुझे लेनी थी एक जो है ना वो ब्लैक कलर की जीन्स, लेकिन ना यहाँ पे कुछ भी मज़े वाला नहीं था। और बस फिर मैं ऐसे चेक कर रही थी, और ब्लू जीन्स तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत हो चुकी थी, लेकिन फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया ब्रेकआउट से, और मैं वापस आ गई। और अभी जो है वो मैं आउटफिटर चेक करूँगी, और उसके बाद मुझे लेने हैं एक शूज़। तो पहले मैं वो चेक करती हूँ, फिर आउटफिटर से आएँगे। और यहाँ पर मैं शूज़ देख रही हूँ इनसिग्निया से, मेरे पास जो है वो मेरे पम्प्स भी टूट चुके हैं और लोफर्स भी टूट चुके हैं, तो मुझे उनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो या खुस्सा पहनना पड़ता है या कोई भी इस तरह से बंद हो, मतलब मुझे सैंडल्स पहन के जाना या ना इस तरह से अच्छे नहीं लगते स्लीपर्स पहन के जाना। तो मैं ये ना पम्प्स पहन के शूज़ पहन के ज़्यादा कम्फर्टेबल फ़ील करती हूँ, स्नीकर्स पहन के भी इतना कम्फर्टेबल फ़ील नहीं करती जितना कम्फर्टेबल ना मैं ये पहन के फ़ील करती हूँ। तो मास्क के बिना तो अलाउ नहीं था, थोड़ा सा भी मास्क उतार रहे थे तो वो लोग बार बार कह रहे थे कि मास्क पहने मास्क पहने। और यहाँ पे तकरीबन सारी शॉपिंग हो गई है, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और फूड कोर्ट पे सेटिंग बंद थी, आप बैठ के कुछ भी नहीं खा सकते, बस थोड़ी सी शॉपिंग की है वो मैं आपको घर जा के दिखाऊँगी। और फिर एक्सट्रीम डील ले ली KFC से, और अभी हम जो है वो घर आ चुके हैं, और मैं खा पी के फिर मैं आपको जो है वो सारी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया क्या क्या नहीं। इतनी चीज़ें नहीं ली लेकिन जो भी लिए वो मैं शेयर करती हूँ। हाय एवरीवन, सो अभी जो है वो हम लोग आ गए थे शॉपिंग वगैरह करके, ये कुछ शॉपिंग वगैरह की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस आके थोड़ा रेस्ट किया, और ना थोड़ा काम था वो निपटाया, अभी मैं आ गई हूँ। आपको शॉपिंग जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ, बाकी डिटेल्स जो हैं वो शॉपिंग की डिटेल्स दे देती हूँ, बाकी ब्लॉग देखते रहें। और ये सब समेट के मुझे फेशियल भी करना है, तो बुकिंग है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये सब दिखा दूँ। और ये आप मेरे रूम में खिलारा चेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेस फैला हुआ है, बट इट्स ओके, सब समेट के ही सोएंगे। तो फिर देर के इस काम शुरू करिए।
ओके जी, फर्स्ट थिंग के सबसे पहले जो है ना, मैं गई तो मेरे पीछे से एक पार्सल आ गया था, तो पार्सल मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आया था। तो किधर गया भाई निकला, ये पैलेट मैंने मंगवाई है ठीक है ग्लैम गर्ल बाय मैविश से, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी तो मैंने भी ऑर्डर कर ली और बहुत रिजनेबल प्राइस में, 550 की थी और 200 रुपीज़ डीसी है। इस तरह से ये पैलेट दिखती है ठीक है जी। ये इसकी बाहर वाली पैकेजिंग है और ये अंदर वाली है, ब्लशन भी है इसमें, हाईलाइटर कलर करेक्ट नहीं, यहाँ से थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, बट वेल इट्स ओके, इतना तो हो जाता है क्योंकि जब चीज़ें आती हैं तो 19-20 हो जाता है। एक ग्लैम गर्ल से मंगवाई थी, ठीक हो गया जी। ये तो मेरा बैग है और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। B1 Shop 1 से मैंने अपने लिए एक लिया बेल्ट, क्योंकि मेरा पास बेल्ट नहीं था तो मैंने एक वाइट कलर में बेल्ट ले लिया, क्योंकि हर जीन्स के ऊपर ईजिली चला जाएगा ये वाला ठीक है। और प्राइस इसकी थी 1500, लेकिन 70% ऑफ पे जस्ट मुझे मिला है 500 रुपीज़ का, तो ये लिया मैंने B1 Shop 1 से ठीक है जी। और मैंने अपनी खाल उतरवाई एक सूट पे, जो कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने लिया, ये तो KFC वाला बिल है ठीक है। ये लिया मैंने, ठीक हो गया, दिखाती हूँ मैं आपको ज़रा खोल के। ये लिया पेंट्स ठीक है जी, अब अल्लाह करिए मुझे आ जाएँ, क्योंकि मैंने स्मॉल साइज़ ले लिया, मीडियम की लेंथ लंबी हो रही थी। ये मुझे मिला है जी 3000 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ की मिली। इस तरह से इसकी नेट लगी हुई है और इस तरह से है, तो पता नहीं किस चीज़ के पैसे लगाए इन्होंने और बहुत गलत चीज़ के लगाए। अब ले लिए, खैर ओके ठीक हो गया जी। बस ये लिया था B1 Shop 1 PK से। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मिनीसो से, पर इसने बड़ा दिल ख़राब किया, तो मिनीसो से जो चीज़ें ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मिनीसो से मैंने लिया है एक ये वाला वॉलेट, और उसके अलावा मेरे ये शीट मास्क ख़त्म हुए थे, मिनीसो से ये शीट मास्क लिए। उसके अलावा मैंने एक मिनी हेयर ब्रश लिया है, क्योंकि मेरे पास हेयर ब्रश नहीं था, इसके पीछे मिरर भी लगा है। ये तीन चीज़ें मैंने मिनीसो से ली थी। उसके साथ मुझे मिले हैं गिफ्ट, एक ये वाला गिफ्ट मिला है मिनीसो की तरफ से, और एक ये वाला गिफ्ट भी मिनीसो से मिला है, ये बीबी क्रीम के साथ जो है वो फेस पाउडर है। और उसके अलावा एक मिनीसो वालों की लिपस्टिक भी मिली है ठीक है। ये मास्क और ये ब्रश, ये वॉलेट, ये तीनों चीज़ें 1500 की मिली, और ऑलमोस्ट ये सामान भी तकरीबन 15 या 2000 का होगा। ये तीनों चीज़ें मुझे मिली हैं फ्री, बस मिनीसो से यही लिया था। और ये आप चेक कर लें, ये मास्क जो है वो 400 के मिले हैं, और ये वॉलेट 700 का मिला है, 500 का ये ब्रश मिला है, और बाकी ये चीज़ें जो हैं ये फ्री मिली हैं। और इनके बस मिनीसो वाले सेल टैक्स भी लगाते हैं, तो ये इनका जी सेल टैक्स हो गया, बाकी इसमें कुछ मेरे खुले पैसे पड़े। और उसके अलावा इंसिग्निया से भी मैंने कुछ शॉपिंग की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इंसिग्निया से एक तो ली है मैंने ये वाला सैंडल्स, तो ये वाली हील्स ली थी, लेकिन मैंने वहाँ पे जब चेक की नहीं की तो इनके साथ इन्होंने मुझे ये वाली हील्स दे दी बाय मिस्टेक, तो ये मेरे साथ एक ब्लूपर हो गया, इसको भी हम चेंज करवाएंगे ठीक है। ये वाली ली थी मैंने 3000 रुपीज़ की, ये यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, ये रही ये वाली हील्स थी, ये वाली हील्स कह दिए सैंडल्स, ये वाली मैंने पसंद की थी, इन्होंने बाय मिस्टेक मुझे दूसरी दे दी, तो ये तो चेंज हो जाएगा। बाकी आपको दूसरा दिखाती हूँ, दूसरा क्या लिया, दूसरा लिया है मैंने ये वाले पम्प्स लिए हैं जो मैंने आपको दिखाए भी थे वीडियो में, और ये मिले हैं 4000 रुपीज़ के ठीक हो गया जी। बस यही सारी शॉपिंग थी जो मैंने की है, जो मैंने दिखा दिए। अब हम ये सारा सामान उठाते हैं, और वो मेरी अम्मी बैठी हुई है फेशियल कराने के लिए मुझसे तो मुझे उनका फेशियल करना है, लेकिन उससे पहले सामान उठा। ओके जी, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे आई गेस, तो आज है मेरी कज़िन का वलीमा, उधर जाना है, और अभी मैं उठी हूँ तकरीबन रात को भी लेट, तकरीबन सोए 3-4 बजे, तो अभी उठ गई हूँ, क्योंकि मेरी कज़न की इंगेजमेंट भी है तो उसको भी रेडी करना है, और दिन का वलीमा है और शाम की इंगेजमेंट है। तो बस अभी जो है ना वो आ गई थी, वो चेंज वगैरह करने के लिए गई, और मैं यहाँ पे सारा मेकअप निकालूंगी, उसका मेकओवर करूँगी। 9 बजे वो आ गई थी, क्योंकि मुझे उसे रेडी करके चली जाना था, और वापस मैं आके रेडी करने का टाइम नहीं था, क्योंकि शादी से आके डायरेक्ट वहीं जाना था। तो यहाँ पर फिर मैंने सारी मेकअप की चीज़ें निकाल ली जो जो चाहिए थी, और बस उसका मैं मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही थी।
तो यहाँ पे उसका मेकअप हो गया है। फुल फेस तो नहीं मैं दिखा सकती, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैंने मेकअप जो है वो दिखा दिया है, उसका हेयर स्टाइल भी। और मैं भी यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, तो अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं कह रही थी कि बस अब चलो चलो, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी हॉल में, और हम आ गए हैं अपने वेन्यू पे। और जो है दिन का वलीमा था, लेकिन फील ऐसे हो रहा था रात वाली वाइब्स आ रही थी। तो यहाँ पे जो है ना, वो सब लोग अभी डांस वगैरह कर रहे थे, मस्ती वगैरह। तो जो है मैं वॉइस ओवर ही लगा सकती हूँ, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, ये बड़ा मसला। और ये मेरा हल्का सा मेकअप है, बहुत लाइट मेकअप किया मैंने, बहुत डार्क नहीं। और लिपस्टिक मुझे वैसे ही शुरू से लाइट ही पसंद है। और यहाँ पे मैं बैठ के बहुत व्लॉग बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन जो हमारा ख़ानदान है ना, हमारे ख़ानदान के बच्चे, हमारे टब्बर, बिल्कुल नहीं जानबूझ के सीटियाँ मार रहे थे, शोर कर रहे थे और व्लॉग बनाने नहीं दिया। जीना जिसको कहते हैं, जीना आराम करते, इन्होंने मेरा मैंने व्लॉग बिल्कुल भी बनाने नहीं दिया। और जो है मैं फिर उठ के साइड में ही आ गई कि थोड़ा सा आपको मेकअप शेकअप दिखा दूँ, और मुझे पीछे से आवाज़ आ गई कि खाना लग रहा है, आ जाओ। और ये मेरी कज़न की प्यारी सी बेटी है, प्लीज़ से, माशाल्लाह बहुत क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस अब यहाँ पे खाना वगैरह लग रहा है, खाना वगैरह खा के फिर जो है वो घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि इंगेजमेंट पर भी जाना है, तो भी जाना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आप देखें, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं पब्लिक प्लेस में व्लॉग कर पाऊँ। एक तो पीछे से सॉन्ग्स की इतनी आवाज़ थी, ऊपर से इन्होंने कहाँ व्लॉग करने देना था, और अब देखिए इतनी शोर में कहाँ मुझसे व्लॉग होना था। तो बस अब यहाँ पे सब लोग जो है वो खाना वगैरह खा रहे हैं, बैठे शैठे हैं और बातें बातें हो रही हैं। खाना वगैरह खा के फिर जो रस्म होगी, जो सलामी वगैरह देनी होती है वो देंगे। और अभी यहाँ पे डांस नाच गाना चल रहा है, तो जो है ये सब लोग ये करते हैं। और मैं जो है बस अभी घर के लिए निकलते हैं, बस ये दूल्हा बस दूल्हा दुल्हन का वेट हो रहा है। ओके जी, तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर था, मैं आउटफिट से इसे दिखा नहीं पाई, तो ये मेरी साड़ी है, इग्नोर द मिरर, मिरर बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे। और बस अभी हम लोग निकल रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को मैं जो है ना वो अपना ड्रेस दिखा दूँ, तो मेरा भी इतना गंदा है, मैं क्या दिखाऊँगी आप। हाय एवरीवन, तो शादी से हम लोग वापस आ गए हैं और अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं, और अभी एक और जगह के लिए निकलना है। तो बस मैं आपको भी आउटफिट जल्दी से थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, पता नहीं मैंने दिखाया भी है ब्लॉग में कि नहीं दिखाया, बहुत देर हो गई है। लैशेज मैंने उतार दी क्योंकि मेरी हालत हो गई थी आंखों की, तो बस मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, फिर किसी ब्लॉग में डिटेल के साथ दिखा दूँगी अगर आप देखना चाहेंगे। इस तरह से है ये, और अभी बहुत लेट हो रहा है, सो आई शुड हैव टू लीव नाउ। ओके जी, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपनी कज़न की इंगेजमेंट के लिए, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे बहुत से लोग मिले जिन्होंने पूछा आप यूट्यूब बनाती हैं, हम आपको देखते हैं। और कुछ लोग तो मतलब जानने वाले ही थे, लेकिन मेरी उनसे इतनी अच्छी बात बात नहीं थी, लेकिन आज सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग जानते थे और बहुत से लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सिर्फ अपनी शर्ट चेंज की, लैशेज उतारी और बस अभी इंगेजमेंट के लिए निकल गए, क्योंकि उनके गेस्ट्स ने वापस जाना था और बस उनसे मिलना था और हमें वापस घर आना था, क्योंकि घर में ऑलरेडी हमारे भी गेस्ट आए हुए थे। तो बस यहाँ से रस्में वगैरह करके पिक्चर्स वगैरह लेके हम लोग आ गए हैं जी घर। और मैं जो है ना इस व्लॉग को करती हूँ एंड, और ये मेरी कज़न की प्यारी सी बेटी है, और इसका इंस्टा पर पेज है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। ओके जी, आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। दो दिनों को मिक्स करके मैंने ये व्लॉग बनाया है, और मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को एंड। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।